So today is 7th December Thursday and it is currently 8:32 and this is my to-do list. I'll place a timer of 90 minutes right now. So this timer will end at 10:03. So right now I'll start practicing AP. यहाँ पे मैं कर रही थी NCERT और RS अग्रवाल मैं NCERT ख़त्म होने के बाद करूँगी। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि मेरी मैथ की स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। मैथ्स पे ना पहले जो NCERT है ना, NCERT के मैं एग्जाम्पल्स और जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है पहले वो ख़त्म करूँगी और जब वो ख़त्म हो जाएंगे तब मैं RS अग्रवाल करना स्टार्ट करूँगी। RS अग्रवाल में मैं अराउंड 70% क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी क्योंकि बाकी के तो देखो यार रिपीटेटिव होता है तो कोई मतलब नहीं है उसको करने का, क्योंकि अभी हम रिवीजन कर रहे हैं ना, अभी तो स्क्रैच से नहीं कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस नहीं करूँगी। अराउंड 70% क्वेश्चंस करूँगी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस को मिलाकर। एंड मोस्टली मेरा जो फोकस रहेगा ना वो रहेगा PYQs पे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस के ब्रैकेट पे ना दिया होता है कि ये क्वेश्चन किस ईयर में आया था, तो मेरा मेन फोकस तो उसी तरह के क्वेश्चंस पे रहेगा। बाकी एक दो जो हार्ड क्वेश्चंस होंगे उनको भी थोड़ा अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो बस यही था मेरा मैथ्स का प्लान। और जब ये पूरा रिविजन खत्म हो जाएगा ना तब मैं स्टार्ट करूँगी सैम्पल पेपर सॉल्व करना। और आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि सैम्पल पेपर्स कौन सी कंपनी का होगा, तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। मैं अपने टीचर्स से सलाह मशवरा करूँगी, उसके बाद ही कोई एक सैम्पल पेपर खरीदूँगी। मेरा ये पहला 90 मिनट्स का सेशन ख़त्म हुआ ना, उसके बाद फिर मैं नीचे गई थी डिनर करने और ऊपर आके यहाँ पे बर्फ़ी सो रहा था। वो जल्दी सो जाता है, काजू बर्फ़ी दोनों ही जल्दी सो जाते हैं। और बस मैं उसके ऊपर ऐसे हाथ फेर रही थी। फिर मैंने 90 मिनट्स का एक और टाइमर लगाया एंड फिर मैंने करना स्टार्ट किया था केमिस्ट्री चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ऑनेस्टली बताऊँ ना तो ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो क्लास 10th में हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो दैट्स वाई थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। तो इसलिए मैंने इसको जितना टाइम चाहिए मैं उसको इतना टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एग्ज़ाम टाइम में जाके फिर मैं रिग्रेट करूँ कि मैंने इसको इतना कम टाइम क्यों दिया। तो अभी इसको जितना टाइम चाहिए मैं उतना टाइम दे रही हूँ। एंड जब ये चैप्टर खत्म होगा ना उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व करना। एग्जाम्पलर में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के सारे ही चैप्टर्स से, तो वो फिर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ सुनील सर का लेक्चर फ्रॉम फिजिक्स वाला, एंड ये लेक्चर अच्छा खासा लंबा लेक्चर है तो कल परसों तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ तो कल परसों तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं चैप्टर रीडिंग करना स्टार्ट करूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। एंड बाय द वे मेरा बायोलॉजी का रिवीजन बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था एंड अभी मैं केमिस्ट्री रिवाइज कर रही हूँ। और जब केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी फिजिक्स को रिवाइज करना। फिजिक्स के भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन मुझे रिवाइज़ करने हैं, तो एक बार ये केमिस्ट्री ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर मैं फिजिक्स रिवाइज़ करना स्टार्ट करूँगी। फिर जब ये 90 मिनट्स का दूसरा सेशन ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने फिर से 15 मिनट का ब्रेक लिया, क्योंकि मैं ब्रेक ले लेके ही पढ़ती हूँ। एंड 90 मिनट्स पढ़ने के बाद देखो 15 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है, नहीं तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा, तो इसलिए 15 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी था। उसके बाद जब ये ब्रेक ख़त्म हुआ फिर से मैंने एक टाइमर लगाया था आधे घंटे का, क्योंकि मैथ्स मुझे आज देखो 2 घंटा करना था और पहले सेशन में मैंने 1.5 घंटा किया तो और भी आधा घंटा बचा था, तो इसलिए मैंने सिर्फ आधे घंटे का ही टाइमर लगाया। एंड यहाँ पे मैं फिर से कर रही हूँ AP। एंड मैथ्स में ना मुझे अभी भी MCQs करने हैं। MCQs मैं एग्जाम्पलर से भी करूँगी और RS अग्रवाल की बुक से भी करूँगी, क्योंकि MCQs भी बहुत ज़रूरी होते हैं और कई बार MCQs में ही मार्क्स कट जाते हैं, अच्छे खासे मार्क्स कट जाते हैं, तो इस वजह से मैं MCQs भी अच्छे से प्रैक्टिस करने वाली हूँ। अभी तक तो मैंने सरफेस एरिया को छोड़ के किसी भी चैप्टर के MCQs प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो जब ये फुल रिविजन ख़त्म हो जाएगा ना तब मैं फिर से MCQs भी प्रैक्टिस करूँगी। नहीं तो फिर जब AP के चैप्टर का रिवीजन खत्म हो जाएगा तब मैं सारे चैप्टर्स का एक साथ मिलाकर MCQ प्रैक्टिस करूँगी। एंड मेरा ना कुछ दिनों से ही ऐसा अजीब सा रूटीन हुआ है कि रात में फिर मेरे को लेट जग के पढ़ना पड़ता है, नहीं तो पहले मेरा रूटीन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो मेरा रूटीन काफ़ी अच्छा खासा था विद अ गुड स्लीप स्केड्यूल। अभी थोड़ा सा बिगड़ चुका है, तो वीकेंड्स में ना मैं इस रूटीन को पूरा एकदम फिक्स कर दूँगी एंड ऐसे लेट नाइट जागना मैं बंद कर दूँगी। एंड अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इतना लेट जागने के बाद मैं नेक्स्ट दिन स्कूल गई थी या नहीं, तो हाँ मैं स्कूल गई थी। मुझे लग रहा था कि बारिश होगी तो स्कूल मिस हो जाएगा, बट बारिश नहीं हो रही थी, तो हाँ मैं स्कूल चली गई थी नेक्स्ट दिन। Currently 1:16, I am done with my maths work for today. Right now I'll start doing SST, the chapter minerals, and I'll place a timer of 45 minutes. And once this timer gets over, I'll directly start doing the chapter Pachhar Ke Din from Hindi. I'll not take a break in between because it's already very late. So this timer will end at 2:01. So yeah, let's start. और ये ना मेरा पहला और शायद आखिरी हिंदी वीडियो होगा, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे हिंदी वीडियो को लेके, तो मुझे लगा कि एक बार मैं अपलोड करके देखती हूँ कि ये लोगों को क्या लगता है हिंदी वीडियोस को लेके। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर देना, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप या तो डिसलाइक कर देना, तो उसी हिसाब से मुझे पता चलेगा कि आप लोग को इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको इंग्लिश वीडियोस देखने हैं कि हिंदी वीडियोस देखने हैं, क्योंकि बहुत से लोग ना कमेंट्स में ऐसे बोल रहे थे कि आप हिंदी में वीडियोस बनाओ, हिंदी में वीडियोस बनाओ। कुछ लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग एडवाइस दे रहे थे, और बाकी के तो यार ताने मार रहे थे। मतलब ताने क्यों मार रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इंग्लिश एक्चुअली इसलिए बोलती थी क्योंकि हमारे करिकुलम में इंग्लिश है ना, हमारी सारी की सारी टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश में है, हमें लिखना इंग्लिश में है, तो इस वजह से मैं इंग्लिश बोलती थी। और हिंदी तो देखो मैं स्कूल में बहुत बोलती हूँ, मेरे स्कूल में लाइक त्रिपुरा से मैं हूँ ना, तो त्रिपुरा के बाहर के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब से तो देखो मेरा इंटरेक्शन हिंदी में ही होता रहता है, तो मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी खासी है। लाइक हिंदी में अगर मुझे एग्ज़ाम में आंसर्स बनाने को बोले तो मैं अच्छे से एग्ज़ाम में आंसर्स लिख के आ सकती हूँ अपने मन से। बट इंग्लिश तो देखो ना हमारी मदर टंग है, ना हमारी सेकंड लैंग्वेज है, मतलब रियल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ। तो इस वजह से इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती ही है ना बचपन से, तो इस वजह से मैं इंग्लिश में बोलती थी। बट अब मुझे लगता है कि हाँ मैं इंग्लिश में मतलब डेफिनेटली आंसर्स वगैरह तो बना ही सकती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स, मुझे फॉर्मल इंग्लिश कम्युनिकेशन पर थोड़ा फोकस करना है, तो आप लोग मुझे प्लीज़ थोड़ा बता देना कमेंट्स में कि आपको कौन से लैंग्वेज में वीडियोस चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली शायद मेरे अगले वीडियोस इंग्लिश में ही होंगे। नाउ आई एम डन विद ऑल माय टास्क्स फॉर टुडे, सो या दैट वाज अ लेट नाइट स्टडी सेशन एंड आई एम नॉट श्योर इफ आई विल गो टू स्कूल टुमारो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, and also let me know about what you'd like to see next in the upcoming videos. So yeah, that's it. Thank you so much for watching today's video. I'll see you in my next video. Bye.